बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड, ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड, ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, 2006 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं उनके डीलर से बिजनेस में है। बेसिकली ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं उनको ब्रांड से परचेस करती है, अपने शोरूम्स में रखती है एंड बाद में आपके एंड मेरे जैसे लोग इस कंपनी के शोरूम में जाकर उन टू व्हीलर्स को परचेस कर लेते हैं। एंड आज की डेट में ये कंपनी 10 से ज्यादा ब्रांड्स के टू व्हीलर्स में डील करती है, 8 स्टेट में इस कंपनी की प्रेजेंस है। एंड जो ये टू व्हीलर्स होते हैं ये काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टू व्हीलर्स होते हैं, जैसे कि कार्गो टू व्हीलर्स, ई बाइसिकल, ई बाइक्स, ई स्कूटर एंड हाई स्पीड स्कूटर। इन 4-5 कैटेगरीज के अंदर इस कंपनी के काफी सारे मॉडल्स हैं। सो बेसिकली ये कंपनी टू व्हीलर्स को कंपनी से परचेज करती है, अपने शोरूम में रखती है एंड बाद में आपके और मेरे जैसे लोग वो इस कंपनी के शोरूम से जाकर इन टू व्हीलर्स को परचेज कर लेते हैं। ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, अपने अंदर भी डीलर्स अपॉइंट कर दी है। एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये कंपनी 3 डिफरेंट टाइप्स के डीलरशिप अपॉइंट करती है। एक तो हो गई स्टेट लेवल की डीलरशिप, दूसरी हो गई डायमंड डीलरशिप एंड तीसरी हो गई प्लेटिनम डीलरशिप। सो स्टेट डीलरशिप हो गई जहां पर एक स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही डीलर होता है। डायमंड डीलरशिप हो गई जहां पर एक स्टेट के अंदर 80 to 100 किलोमीटर की रेडियस पर आपको एक ही डीलर मिलेगा। एंड जो प्लेटिनम डीलरशिप हो गई, ये नॉर्मली जो छोटी छोटी सिटीज होती हैं, थोड़े से पॉपुलेटेड एरिया में जो भी शोरूम्स होते हैं उनको ये कंपनी बोलती है प्लेटिनम डीलरशिप। इन्हीं तीनों डीलरशिप मॉडल्स के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। एंड अगर हम बात करें दैट क्या ये कंपनी 100% प्योर ईवी प्ले है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी प्री ओन व्हीकल के भी बिजनेस में है। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू वो प्री ओन व्हीकल से आती है एंड सिर्फ 40% रेवेन्यू आती है वो न्यू व्हीकल से। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट ये कंपनी 100% ईवी प्ले नहीं है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, नए शोरूम्स ओपन करने हैं, इन्वेंट्री बढ़ानी है, डेट्स की रीपेमेंट करनी है, तो उसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 80.87 करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन दी है। सो हमने इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस मॉडल समझ लिया दैट ये कंपनी क्या करती है, कहाँ से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले एसेट बेस देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 15 करोड़ रुपीस का, अगले साल ये बढ़कर 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 31 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 31.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने आईपीओ पेपर्स में बोलती है दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कंपनी अभी तक इस कंपनी की रेवेन्यू वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। वो तो ठीक है, बट अगर हम इस कंपनी का क्वांटम ऑफ सेल्स देखें तो वो थोड़ी सी कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने सेल्स जनरेट करी थी 14 करोड़ रुपीस की, अगले साल वो 20 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड अब मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल सेल वो अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस की है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, हर साल प्रॉफिट कमा रही है, बट यहां पर भी अमाउंट बहुत कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 15 लाख रुपए का, अगले साल ये कम होकर 10 लाख रुपए पर आ गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 1 करोड़ 67 लाख रुपीज का है। एंड यहां पर इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 14 करोड़ रुपीज की बोरोइंग है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। आप इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको अपना डेट कम करने की सख्त जरूरत है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.63 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था, अगले साल ये 2.68 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 4.41 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपका डेट काफी ज्यादा है, प्रॉफिट क्वांटम थोड़ा सा कम है एंड अब आप अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक कंसर्निंग पिक्चर है। मार्जिन्स भी देख लेते हैं। ये कंपनी ऑन एन एवरेज 20% के ग्रॉस मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 11.3% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 6.69% के पैट मार्जिन्स है, 13.94% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 10.87% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। सी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स ठीक ठाक है, पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये थोड़ा सा कम है। एक एसएमई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा कम है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 24.09 करोड़ रुपीज का, सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है, 59 रुपीज से 62 रुपीज का प्राइस बैंड है,
2000 शेयर्स का लॉट साइज है, इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,24,000 रुपीज की। 18 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 20 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 25 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी। एक तो ये कंपनी इन्वेंटरी परचेज करेगी, दूसरा ये कंपनी 11 नए शोरूम्स ओपन करेगी, ऐसे ही ये कंपनी अपने डेट को भी रिड्यूस करेगी एंड थोड़े से पैसे लेस देन 25% वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस में यूज होंगे। एंड ये वो प्लेसेस हैं जहां पर ये कंपनी अपने नए शोरूम्स को ओपन करेगी। बेसिकली नए शोरूम्स को ओपन करने के लिए इस कंपनी ने प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो सी, काफी छोटी कंपनी है, मार्जिन्स ठीक ठाक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी का जो क्वांटम है वो बहुत कम है। ऐसे ही इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन भी नेगेटिव हो गया है। एंड आज के डेट में जो ये डीलरशिप कंपनियां होती हैं ये एक किस्म से स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं, एक किस्म से बीच में पिसकर रह जाती हैं। जो ब्रांड होता है वो इनको जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स पकड़ा देता है एंड कस्टमर्स आज की डेट में इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं परचेस करते, तो ये थोड़ा सा इन कंपनीज के लिए कंसर्निंग माना जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन में दिख भी रहा है। हालांकि आज की डेट में जो ईवी कंपनियां होती हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं वो थोड़े से अच्छे हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं, ग्रॉस मार्जिन्स हैं, पैट मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं, वो इस कंपनी के एज कम्पेयर टू अदर डीलरशिप कंपनियां थोड़े से अच्छे हैं। एंड रीजन यही है दैट जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां हैं वो भी एक किस्म से स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज जो उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एक बार परचेस कर लेता है तो वो रिग्रेट तो जरूर करता है। बिकॉज आज की डेट में मैंने ऐसा कोई भी हैप्पी टू व्हीलर ओनर नहीं देखा, अपने आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ। सो मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।